Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain from question number 9 of exercise 22B class 7th. So let's start from question number 9. It is given that a floor which measure 15 by 18 meter is to be laid with a tiles measuring 50 centimeter by 25 centimeter. Means एक फ्लोर है, ये सपोज कर लीजिए आपका फ्लोर है, उसकी डायमेंशन मालूम है फ्लोर की 15 मीटर बाय 8 मीटर. सपोज इट इज 15 मीटर एंड 8 मीटर, क्लियर. तो अगर इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करें, ये भी मीटर है, तो फ्लोर की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 800 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, एंड लेंथ हो गई 1500 सेंटीमीटर, क्लियर. ओके, इट इज अ फ्लोर विच मेजर 15 बाय 8 मीटर इज टू बी लेड विद अ मेजरिंग टाइल्स ऑफ 50 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर. इस पे टाइल्स लगाई गई है इस तरीके से, और टाइल्स की डायमेंशन है आपकी, एक टाइल्स की डायमेंशन है 50 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, क्लियर. ये टाइल्स की डायमेंशन है. फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. अब इसमें कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी ये आपको निकालना है. तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायरमेंट्स एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल्स. नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर. एरिया ऑफ फ्लोर मीन्स लेंथ इन टू ब्रेथ. एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ टाइल्स. एरिया ऑफ टाइल्स ऑल्सो लेंथ इन टू ब्रेथ 50 मल्टीप्लाइड बाई 25. नाउ कैलकुलेट दिस टू नंबर. 0 0 कैंसिल आउट, 25 6 50. ओके, नाउ 16 5 80 160. 6 इंटू 160 इज इक्वल टू 96. Means number of tiles is equal to 996 required to for given floor. Now next part. अब इसमें आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है. If a carpet is laid on the floor so that a space of 1 meter exists between its edge and the edge of the floor, what fraction of the floor is uncovered? अब इसको फिर से second diagram बनाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है उसमें. अब सुनिए आगे उसने कहा है, इफ़ अ कारपेट इज लेड ऑन ए फ्लोर सो दैट स्पेस ऑफ 1 मीटर एग्जिस्ट बिटवीन इट्स एज एंड द एज ऑफ द फ्लोर. अगर इस पे इस फ्लोर पे एक कारपेट लगा दी जाए और इस तरीके से लगाई जाए कि कारपेट और जो कॉर्नर है मीन्स जहाँ से वॉल स्टार्ट हो रही है उसके बीच की जो गैप है वो 1 मीटर है. मीन्स ये कितना हो गया, ये 1 मीटर हो गया. ऐसे इधर 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, एंड ये 1 मीटर होगा. तो कारपेट का पोर्शन ये हुआ ना, ये पोर्शन आपका कारपेट का हो गया. अच्छा अब सुनिए आपसे कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज अनकवर्ड. कितना पोर्शन ऐसा होगा जो अनकवर्ड है, मीन्स हमको इस पोर्शन का एरिया निकालना है. वो बात की बात है. सबसे पहला काम, फ्लोर का जो डायमेंशन था वो 15 मीटर बाई 8 मीटर था, तो कारपेट का जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा. कारपेट की लेंथ हो जाएगी आपकी, ये लेंथ हो जाएगी 15 माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगी 13 मीटर, क्लियर. एंड कारपेट की जो ब्रेथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 1 माइनस 2 6 मीटर, क्लियर. ये कारपेट का हो गया. अच्छा अब हमको ये निकालना है कि कितना पोर्शन ऐसा है जो अनकवर्ड है. एरिया ऑफ अनकवर्ड पोर्शन, जब अनकवर्ड एरिया निकालेंगे तो टोटल एरिया मीन्स 15 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस इंटरनल एरिया मीन्स एरिया ऑफ कारपेट 13 मल्टीप्लाइड बाई 6. इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 8 जो 120 एंड 13 6 जो 78. ओके, नाउ ये कितना हो जाएगा, क्लियर. ये आपका हो गया 42 मीटर स्क्वायर एज ए अनकवर्ड पोर्शन, मीन्स इस पे कारपेट नहीं लगी हुई है. अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज अनकवर्ड, मीन्स फ्लोर का कितना पोर्शन अनकवर्ड है. तो हमको इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालना होगा, मीन्स इन फ्रैक्शन फॉर्म, अनकवर्ड फ्रैक्शन
इज इक्वल टू जो अनकवर्ड पोर्शन का एरिया है वो डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया मीन्स फ्लोर का एरिया, 15 मल्टीप्लाइड बाई 8। इसको सॉल्व कर दीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 फाइव ज़ा 15, 3 14 ज़ा 42। नाउ 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 फोर ज़ा 8, 2 सेवन ज़ा 14। क्या मिल जाएगा आपको रिजल्ट? 7 अपॉन 20 पार्ट आपका अनकवर्ड है। तो अनकवर्ड पोर्शन कितने हो गए? 7 अपॉन 20 पार्ट ऑफ द फ्लोर। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। एंड फर्स्ट आंसर क्या आया था आपका? 960। एक बार फिर से सोल्यूशन देख लीजिए। ये नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ईच टाइल्स, डिवाइड कर देंगे रिजल्ट मालूम हो जाएगा। और अनकवर्ड पोर्शन के लिए पहले तो डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद आपको अनकवर्ड एरिया निकालना होगा। अनकवर्ड एरिया मीन्स टोटल एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ टाइल वो कारपेट, माइनस कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये वैल्यू मिली है, एरिया वो है जो अनकवर्ड है। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में जब निकालेंगे तो फ्रैक्शन का मतलब किसके रिस्पेक्ट में? एरिया ऑफ फ्लोर के रिस्पेक्ट में। तो इस वैल्यू को 42 को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ फ्लोर 15 इंटू 8। सॉल्व कर लीजिए आपको 7 अपॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अ बुक कंटेन 360 पेजेस विच मेजर 20 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर। एवरी पेज हैज ए ब्लैंक मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर डीप अलोंग ईच शॉर्ट साइड एंड 2 सेंटीमीटर डीप ईच अलोंग साइड। फाइंड द टोटल एरिया अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम, देन वी विल सी दैट वॉट वी कैन डू। लिसन लाइक दिस, सपोज इट इज अ पेज। अ बुक हैज़ 360 पेजेस, मीन्स टोटल नंबर ऑफ बुक पेज इज इक्वल टू 360। अ बुक हैज़ 360 पेजेस विच मेजर 20 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर। सपोज इट इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 14 सेंटीमीटर, इज इट इज गिवेन 20 एंड 14 सेंटीमीटर। नाउ लिसन, एवरी पेज हैज ए ब्लैंक मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर डीप अलोंग ईच शॉर्ट साइड। अब इसका क्या सेंस हुआ? ये शॉर्ट साइड है, इसके डीप 2.5 सेंटीमीटर इधर से और 2.5 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगा एंड 2 सेंटीमीटर डीप ईच लॉन्ग साइड। इधर ये लॉन्ग साइड के अकॉर्डिंग यहाँ से 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, इधर से 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, वो मार्जिन लाइन हो जाएगी। उसके बाद प्रिंटिंग स्पेस बचेगा। आइए उसका फिगर देखते हैं। ओके, इस तरीके का होगा। लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड से कितना कम हो गया? 2.5 यहाँ से 2.5, ऐसे ही 2.5 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन से कम हो जाएगा। मीन्स 2.5 2.5, टोटल कितनी लेंथ आपकी कम हो गई? 14 माइनस 2.5, 14 माइनस 2.5 ना, 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 मीन्स 9 सेंटीमीटर। तो इंटरनल ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर, क्लियर? ये आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसी ब्रेथ में कितना कम हो गया? 2 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगा एंड 2 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगी आपकी, यानी कि टोटल 16 माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 माइनस सॉरी 20 माइनस 2 माइनस 2 20 माइनस 2 माइनस 2 मीन्स 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो जो प्रिंटिंग पोर्शन है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपकी कितनी हो गई? 16 बाई 9। तो ये पोर्शन आपका 16 हो गया, ये पोर्शन आपका 9 हो गया। अब इस फिगर को खूब अच्छे से समझ लीजिए। पहले ये पेज था आपका 20 एंड 16, 2 सेंटीमीटर डीप हो गया अलॉन्ग इट शॉर्टर साइड। 2 सेंटीमीटर इधर से कम हो गए, 2 सेंटीमीटर इधर से कम हो गए, मीन्स 14 में से टोटल कितना माइनस हो गया? 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ये प्रिंटिंग पोर्शन की ब्रेथ बची। ऐसे 20 सेंटीमीटर टोटल पेज है, 2 सेंटीमीटर माइनस हो गया, 2 सेंटीमीटर माइनस हो गया, मीन्स 20 माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। सो जो प्रिंटिंग पोर्शन है वो 16 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। अब इसी पोर्शन में आपको प्रिंटिंग करनी है, ठीक है? ये प्रिंटिंग पोर्शन हुआ। तो अब जब हम फिगर को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ प्रिंटिंग पोर्शन के एरिए से निकालेंगे कि टोटल पूरी बुक में कितने पेजेस आपके प्रिंटिंग है। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 9, ओके, इज इट क्लियर? प्रिंटिंग पोर्शन ऑफ वन पेज इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 9। टोटल नंबर ऑफ पेज कितने थे? 360। तो हम उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी बुक के लिए? 360 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। उसके बाद हम उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस डायग्राम को हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं? बुक पे क्या लिख, कॉपी पे सॉल्यूशन में क्या शो कर रहे हैं? 20 एंड 14। लेकिन आप ये पूरा डायग्राम अपनी कॉपी पे बनाइएगा, हम शॉर्ट में कर रहे हैं। अब इस पोर्शन को नहीं इंडिकेट करेंगे, लेकिन ये आपके फेयर कॉपी पे जाएगा ये भी वैल्यू, क्लियर?
नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये हो गया 2014, ये टोटल लेंथ थी, और इंटरनल लेंथ आपकी कितनी होगी, 19 एंड 16। देख लीजिए फिगर में 19 एंड 16 है ना, क्लियर। ओके नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन। प्रिंटिंग पोर्शन ऑफ ईच पेज इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 9, यही पोर्शन तो आपको प्रिंटिंग पोर्शन है ना, तो इसका एरिया आपको निकालना है। 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 144, यू कैन राइट हियर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 360, सो बुक में कितने पेज आपके हो गए प्रिंटिंग के, 360 टोटल पेज मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ वन प्रिंटिंग पेज इज इक्वल टू 51840 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नो दैट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, नो मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000। सो वेन वी डिवाइड मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 10,000 वी गेट इन द फॉर्म ऑफ मीटर स्क्वायर। सो इसको डिवाइड कर दे 51840 डिवाइडेड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर, 0 0 कैंसिल आउट, पॉइंट ईयर है, पॉइंट शिफ्ट टू 3 प्लस ईयर, 430, 5.1840 मीटर स्क्वायर एज द फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग टोटल प्रिंटिंग पोर्शन इन ए बुक। 360 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे बुक में, 360। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ इन 11th क्वेश्चन, ए गार्डन इज 24 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर वाइड, देयर इज अ पाथ ऑफ 1 मीटर आउट वाइड आउटसाइड द गार्डन अलॉन्ग इट्स साइड। इफ द पाथ इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द पाथ। सबसे पहला काम डायग्राम बनाते हैं, फिर इसका देखा जाता है कि सोल्यूशन कैसे होगा। इट इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अ गार्डन इज 24 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर वाइड। सपोर्ट इट इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड, 14 मीटर वाइड, क्लियर। नाउ देयर इज अ पाथ ऑफ 1 मीटर आउटसाइड द गार्डन, इसके चारों तरफ एक 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, आइए उसको बनाते हैं पहले। अब इन्होंने कहा है कि देयर इज अ पाथ ऑफ 1 मीटर वाइड, यानी कि ये 1 मीटर है, ऐसे ही ये 1 मीटर है आपका, हियर इट इज ऑल्सो 1 मीटर एंड हियर 1 मीटर, क्लियर। अच्छा, अब एक्सटर्नल लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ब्रेथ आपकी कितनी हो जाएगी। ये कितना था, 24 प्लस 1 प्लस 1, मीन्स कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1 प्लस 1, 24 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 26 मीटर, क्लियर। ऐसे ही इधर 14 मीटर प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 मीटर, क्लियर। अच्छा, अब आपको जो इसमें टाइल्स लग रही है वो रास्ते पे लगती है, यानी कि टाइल्स आपको यहाँ पे लगानी है, क्लियर। तो हमको शेडेड एरिया निकालना होगा। शेडेड एरिया कैसे मालूम होगा, टोटल एरिया मतलब एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, अगर एक्सटर्नल एरिया माइनस कर देंगे, ये आपका 1 मीटर है, क्लियर। ऐसे ये भी 1 मीटर था, अगर एक्सटर्नल एरिया से इंटरनल एरिया माइनस कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ पाथ मालूम हो जाएगा। जब एरिया ऑफ पाथ मालूम हो जाएगा तब उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ए टाइल से, तो हमें मालूम हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और, एक्सटर्नल लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है, 26 एंड 16, इंटरनल 24 एंड 14। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ पाथ कैसे होगा, 26 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई 14। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यही डायग्राम आपको बना था, 26 एंड 16, 24 मल्टीप्लाइड बाई 14। एरिया ऑफ पाथ कैसे होगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 26 माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई 14, एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। अब इसको कैलकुलेट कर लें अगर, तो 416 माइनस 336 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब जरा से देखिएगा, आपसे कहा गया था कि कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये मीटर स्क्वायर है, अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 80 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 इज इक्वल टू 80 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। 8 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 8 लाख 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द पाथ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ईच टाइल्स। एरिया ऑफ ईच टाइल्स कैसे निकलेगा, टाइल्स 20 बाई 20 सेंटीमीटर की थी, तो उसका एरिया कैसे निकल आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, टोटल एरिया ऑफ पाथ डिवाइडेड बाई लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ ईच टाइल्स, 0 0 0 0 कैंसिल आउट। नाउ 2 4 1 2 3 0 ना,
वेट जस्ट मिनट, यस 30 एंड 2 2 4, सो हियर 2000 टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर ए पाथ. क्लियर, इट इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन. नाउ कंप्लीट योर वर्क. डायग्राम वह बनेगा जो ये वाला डायग्राम पहले बनाइएगा. पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए, इसमें सारी चीज़ें फिर से समझ लीजिएगा. इसको बनाने के बाद फिर जो सॉल्यूशन है उसको बनाते हैं, लेकिन पहले ये डायग्राम बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन. क्लियर, सो कंप्लीट योर वर्क. 22B इज कंप्लीटेड. इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू एवरी वन, गुड बाय.